bird on a tree. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश विद द नीतू। तो आज हम साड़ी ड्रेप सीखेंगे और वो साड़ी जो है मैंने अभी इस समय पहनी हुई है। और ये वाली जो साड़ी है ना, ये सिल्क साड़ी है। पूरी साड़ी जो है ना वो एकदम प्लेन है और इसमें जो है ये बॉर्डर है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर इस कलर की साड़ी आपकी वार्डरोब में नहीं है तो आपकी वार्डरोब में इस कलर की साड़ी तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए। ये वाली जो साड़ी होती है इसमें एक सोफिस्टिकेटेड जो लुक आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है वो लुक आता है। साड़ी को जो है मैं शेपवेयर के ऊपर पहन रही हूँ। तो सबसे पहले साड़ी के फ्रंट पार्ट में जो है इस तरीके से रखेंगे और साड़ी को अच्छे से जो है वो टक इन कर लेंगे, फिर घूम जाएंगे और उसके बाद साड़ी को अच्छे से टाइट करके और फिर यहाँ पर साइड में जो है हम टक इन कर लेंगे। फिर बैक साइड जो साड़ी है इसे हम अच्छे से टक इन कर लेंगे, क्योंकि बैक साइड से जब टक इन करेंगे तो साड़ी का जो शेप है ना वो बहुत अच्छे से आता है बैक साइड से। उसके बाद साड़ी का अब हमें पल्लू बनाना है, और क्योंकि हम यहाँ पर फ्री हैंड पल्लू बना रहे हैं तो हम साड़ी का जो पल्लू है इसको इस तरीके से लेंगे। और ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें फ्री पल्लू पहनने में। उसके बाद ये जो पल्लू हम देखेंगे तो हमें इसको नी लेंथ तक जो है रखना है, उतनी हाइट नहीं तो ज़्यादा रखेंगे तो साड़ी का पल्लू पूरा नीचे जो है फ्लोर लेंथ तक जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता। अब जो है साड़ी को हम इस तरीके से खींच लेंगे और अच्छे से जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से खींच कर और फिर यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। और यहाँ पर जो है मैंने बड़ा सेफ्टी पिन यूज़ किया है, आपको हमेशा साड़ी में जो है बड़ा सेफ्टी पिन ही यूज़ करना है। उसके बाद अब हम इस साड़ी को ऐसे लेंगे और यहाँ से जो पॉइंट आया यहाँ से हम साड़ी की जो प्लीट्स हैं उसे बनाना स्टार्ट करेंगे। और जिस तरीके से हम कैंची चलाते सेम उसी तरीके से जो है हमें नीचे की जो प्लेट्स हैं उन्हें हमें बना लेना है। और आप धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी तरीके से जो है आप वो बना पाएंगे। फिर उसके बाद साड़ी को हमें अच्छे से जो है वो सेट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको आपको यहाँ पर टक इन कर लेना है। बहुत ही ईजी है और साइड में से जो है एक फ़िश कट जैसा जो शेप आता है ना वो आ जाता है। कई लोग बहुत डिफरेंट तरीके से बताते हैं, बट ये जो मैं आपको का बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। उसके बाद आपको साड़ी को बीचों बीच नेवल पे जो है टक इन कर लेना है। उसके बाद साड़ी की जो आगे वाली प्लीट्स है ना उन्हें आपको इस तरीके से रखना है और एक एक करके जो है इसे हल्के हाथों से जब आप प्रेस कर देंगे तो साड़ी नीचे से एकदम सही से जो है सेट आ जाएगी। उसके बाद आपको जो है वो पल्लू जो है वो सेट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से अच्छे से जो है वो खींचना है और फिर ऊपर मैंने एक सेफ्टी पिन लगा लिया है। अब ये वाला जो पार्ट है इसे मैं हल्के से जो है वो गैदर करूँगी और जहाँ से टाइट फिटिंग आएगी वहाँ पे जो है मैंने एक सेफ्टी पिन लगा लिया है। इससे जो है शेप बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे जो है मैंने इसको जो है एक्सरसाइज किया है इस ईयरिंग के साथ, और क्योंकि ये ग्रीन कलर है तो मैचिंग जो है ना वो उतना अच्छा नहीं लगता। अगर आप कंट्रास्ट में कुछ पहनते ना वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर ग्रीन है तो इसकी वजह से जो है ये रेड जो है मैंने पहना है। ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन होता है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इंसिस्ट की सेम टू सेम जो है ना वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पे जो है हाथों में मैंने ये वाले जो हैं वो बैंगल्स पहने, इसमें भी जो है ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है तो ये जो है अच्छे से मैच कर रही है। मेकअप मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, सिंपल सा मेकअप किया है और ओवरऑल जो लुक है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत निकल के आया है। Bird on a tree. मार दो ना डायलॉग। हाँ, तो अगर ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना वहाँ पर एक बेल आइकन आएगा, उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन तो चाहिए ना, चाहे तो मुझे इंस्टा फेसबुक पर भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। सेव गर्ल, रिस्पेक्ट वुमन थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।